फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं वैदिक वेद में निखिलम सूत्र। और निखिलम सूत्र से हम क्या करेंगे, स्क्वायर और क्यूब फाइंड करना सीखेंगे। तो स्क्वायर और क्यूब फाइंड करने से पहले, बिफोर फाइंडिंग स्क्वायर एंड क्यूब, वी हैव टू लर्न हाउ टू फाइंड बेस, सब बेस डिजिट, एंड डेविएशन। निखिलम सूत्र में ये जो हमारे पास कीवर्ड्स है, इन कीवर्ड्स का यूज अधिकतम होगा। तो पहले हम लोग इनके बारे में नॉलेज प्राप्त करते हैं कि होते क्या है, बेस क्या होता है, सब बेस क्या होता है, सब बेस डिजिट क्या होता है और डेविएशन क्या होता है। उसके बाद में हम स्क्वायर और क्यूब पर आएंगे, क्योंकि अगर आपको जब तक ये बेस, सब बेस डिजिट और डेविएशन फाइंड करना नहीं आएगा, तब तक आप उम्मीद नहीं कर सकते कि हमारा इक्वेशन सही हो जाएगा। तो देखिए, ये तीनों चीज डिसाइड करने के लिए, बेस, सब बेस डिजिट, और डेविएशन, ये निर्धारित करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 10, 100 और हो सके 1000 के मल्टीपल्स आपको याद रखने हैं। तो मल्टीपल्स क्या होते हैं, मल्टीपल होते हैं मतलब गुणज, अर्थात जो गुणा करने पर जन्म लेते हैं। जैसे 10 के मल्टीपल हो गए, 10 खुद 10 का मल्टीपल है, 10 1 10, 10 2 20, 30 40 50 60 70 80 90। ये 90 तक जो हमने मैंने बताया, 10 20 30 40 50 60, ये 10 के मल्टीपल है, ठीक है। तो 10 के मल्टीपल कौन कौन हो गए, 10 20 30 40 50 60 70 80 90, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास में 100 के मल्टीपल होंगे, 100 के मल्टीपल कौन कौन होंगे, 100 200 300 400 500 600 700 and so on, ठीक है। ऐसे 1000 के, 1000 2000 3000 4000 and so on। तो बच्चों, ये 10 के मल्टीपल है और ये 20 के मल्टीपल है, ये 100 के हैं। तो जब भी बात बेस हो जाए, मतलब बेस या तो 10 होगा या 100 होगा, ये दो ही, या 1000 होगा, इनको हम बेस मानते हैं, 10, 100 और 1000। कौन से फॉर्मूले में, निखिलम सूत्र में बेस किस किस को माना गया है, या तो 10 को, या 100 को, या 1000 को। अब ये डिसाइड करना है कि इसमें बेस 10 होगा, 100 होगा, या 1000 होगा। तो सबसे पहले क्या करता है, जो गिवन नंबर है, जैसे मान लो ये नंबर 8 है, तो आप ये बताइए 8 किसके क्लोज में है, इन 10 के मल्टीपल्स के क्लोज में है, या 100 के मल्टीपल्स के क्लोज में है। तो श्योर सी है आपके पास ये 8 इसके क्लोज में नजर आ रही है कि 10 के ज्यादा क्लोज में है। तो 10 इसके लिए क्या हो जाएगा, सब बेस और बेस दोनों ही है, 10 अपने आप में सब बेस भी है और बेस भी है। तो ये 10 जो है, 8, ये 8 इस 10 से कितना कम या कितना ज्यादा है, तो जितना कम या जितना ज्यादा होता है वो कहलाता है उस नंबर का डेविएशन। क्या कहलाता है, तो डेविएशन। जैसे बात करें हम, तो ये 8 जो है वो 10 में से है, 2 के ठहरने पर प्राप्त होता है। अब ये 10 जो है वो 10 का मल्टीपल है, वो कितने टाइम है, 1 टाइम, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 × 10 − 2। तो इस सिचुएशन में क्या हो जाता है, हमारे पास में ये जो 1 है ये कहलाता है सब बेस डिजिट। ये क्या कहलाता है, सब बेस डिजिट। ये बेस है हमारा और ये डेविएशन हो गया −2, ये हमारा डेविएशन होगा और ये हमारा एसबीडी होगा, ठीक है। इसमें आता है 12, तो 12 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चों, 12 होगा 10 + 2, क्योंकि ये 10 के क्लोज में है और उस कंडीशन में हम इसको लिखेंगे 10 + 2। तो ये प्लस 2 तो हो गया डेविएशन, और जो 10 है, ये 10 जो है ये बेस और सब बेस का प्रोडक्ट होता है, बेस और सब बेस डिजिट का प्रोडक्ट होता है। तो सब बेस इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, सब बेस इज इक्वल टू
सब बेस डिजिट ये सॉल्व करो मैं इनटू बेस, यानी कि बेस को सब बेस डिजिट को मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास में कौन आता है सब बेस। तो 12 कितने किसके नजदीक में है हमारे पास 10 के नजदीक में है। अब आप 10 में से सब बेस अलग करो, 10 का बेस कितना होगा 10 ही होगा, तो 10 को 10 से डिवाइड कर लो 1 आ गया, तो 1 इनटू 10 प्लस 2, तो ये हो गया एसबीडी, ये बेस हो गया और ये डेविएशन हो गया है। आगे आते हैं हमारे पास अगला नंबर है 18। अब बताइए बच्चों 18 किसके क्लोज में है, 10 के क्लोज में है या 20 के क्लोज में है। कई बच्चे सोच रहे होंगे कि 17 के क्लोज में है या 19 के क्लोज में है, तो ये ध्यान रखना कि 17 और 19 10 के मल्टीपल नहीं होते हैं, इसलिए उनको काउंट ही नहीं करना है। हमेशा माइंड में ये रखना है कि 10 के मल्टीपल्स को ही हम ध्यान में रख करके डिसाइड करेंगे कि ये किसके क्लोज में है। तो ये 20 के क्लोज में है, ठीक है, 18 20 के क्लोज में होने के कारण से ये 20 से कितना कम है कितना ज्यादा है, तो 2 कम है तो -2। अब इसमें देखिए इसका बेस कितना है, अब बेस डिसाइड करने के लिए मैंने बताया था कि बेस हमेशा इन सब का बेस जो है वो 10 होगा और इन सब का बेस हमारा 100 होगा इन सब का। तो 20 का बेस कितना है 10, तो 10 से इसको डिवाइड करो तो 2, तो 2 इंटू 10 माइनस 2, तो ये 2 तो हो गया हमारे पास एसबीडी, ये हो गया बेस और ये हो गया हमारे पास डेविएशन। इस प्रकार से हम डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अगर नंबर आते हैं 23, तो देखिए बच्चों 23 किसके क्लोज में है 20 के क्लोज में है, 20 प्लस 3 राइट करेंगे हम। अब 20 में से इसका बेस सेपरेट कर दीजिए अलग कर दीजिए, तो 2 इंटू 10 लिख सकते हैं हम इसको, 10 इंटू 2 क्योंकि ये 10 का 2 टाइम मल्टीपल है 3, ये हमारा सब बेस डिजिट हो गया, ये बेस हो गया और ये डेविएशन हो गया। इसी प्रकार से आपके पास में अगर 52 आता है तो 52 50 के क्लोज में है, 50 प्लस 2 और ये हो जाएगा 5 इंटू 10 प्लस 2, ठीक है, 5 एसबीडी हो गया, 10 बेस हो गया और 2 प्लस 2 हमारा डेविएशन हो गया। आए बच्चों इधर आते हैं 98, बताइए 98 किसके क्लोज में है 100 के, तो 90 से अबव और 100 से जो अबव नंबर्स होते हैं उनका बेस हम क्या लेंगे 100, तो ये 100 से कितना कम है 2 लेस है, तो 100 माइनस 2। अब इसमें बताइए इसको 100 से डिवाइड करने पर 1 ही आएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 100 माइनस 2, तो ये हमारा एसबीडी हो गया, ये बेस हो गया और ये डेविएशन हो गया है। ऐसे ही हमारे पास ये 100 माइनस 1 है, तो इसको एसबीडी हो जाएगा 1 और बेस 100 और माइनस 1 डेविएशन। इसी प्रकार से ये 100 प्लस 2 है और ये 100 प्लस 3 होगा, तो एसबीडी ये हो जाएगा, इनका बेस ये है और डेविएशन इसका प्लस 2 है, इसका प्लस 3 होगा। इसमें आइए 201 जो हमारे पास है ये 200 के क्लोज में है और 1 मोर है इससे। अब 200 में बेस हमारा 100 है, तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 100, 2 इंटू 100 प्लस 1, तो ये 2 हमारा एसबीडी हो गया और ये हमारा बेस हो गया और ये हमारा डेविएशन हो गया। तो इस प्रकार से बच्चों कोई भी नंबर दिए हुए होने पर उसका बेस सब बेस डिजिट और डेविएशन फाइंड कर सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट नंबर आता है 497, 497 बताइए किसके क्लोज में है 500 के, 500 से कितना लेस है 3 लेस है, तो अपन -3 कर देंगे। अब इसमें से 100 अलग कर लेंगे क्योंकि इसका बेस 100 होगा और यहाँ पर एसबीडी आएगा 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर याद आना चाहिए, ठीक है।
वैसे तो देखा जाए तो इसको 50 इंटू 10 भी कर सकते हैं, लेकिन 10 बेस नहीं मानना क्योंकि 100 के मल्टीपल में ज्यादा क्लोज में है, इसलिए हम 100 बेस मानेंगे माइनस 3। तो ये हमारा एसबीडी हो गया, ये बेस हो गया और ये डेविएशन हो गया है। तो इस प्रकार से हम लोग कोई भी नंबर दिया हुआ हो, जो गिवन नंबर होता है, उस गिवन नंबर का बेस फाइंड कर सकते हैं, एसबीडी फाइंड कर सकते हैं और डेविएशन फाइंड कर सकते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो आता है वो क्या आता है, सब बेस आता है। ठीक है, तो हमारे पास मैक्सिमम यूज होगा बेस, सब बेस डिजिट और डेविएशन का। डेविएशन में भी नेगेटिव और पॉजिटिव, डेविएशन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, बेस या तो 10 होगा या 100 होगा और सब बेस डिजिट डिफरेंट टाइप के होंगे, वो डिपेंड करेगा वो जो गिवन नंबर होगी हमारे को उस पर। तो ये समझ में आ गया, तो मैं आगे चलता हूँ। हमारा जो मेन टॉपिक है वो है स्क्वायर फाइंड करना। क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा आता है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर या ऑफ द नंबर बाय निकेलम सूत्र, और क्यूब भी फाइंड कर सकता है, फाइंड द क्यूब ऑफ द गिवन नंबर या फॉलोइंग नंबर्स या ऑफ द नंबर, और नंबर दे देगा आपको। तो इस कैसे करते हैं देखिए, स्क्वायर बाय निकेलम सूत्र, अगर क्वेश्चन स्क्वायर फाइंड करने का आता है तो निकेलम सूत्र से, तो आपको ये फॉर्मूला लर्न करना है कि नंबर स्क्वायर अर्थात जो गिवन नंबर होगी उसका स्क्वायर फाइंड कैसे करेंगे। सब बेस डिजिट ब्रैकेट नंबर प्लस डेविएशन ब्रैकेट क्लोज ऑब्लिक डेविएशन का स्क्वायर। ठीक है, और अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करते समय शॉर्ट फॉर्म भी यूज करना चाहो तो वो कर सकते हो। ये हो जाएगा एन स्क्वायर, एन स्क्वायर का मतलब नंबर स्क्वायर, ठीक है ना, इज इक्वल टू, बोलते समय आपको उसका फुल फॉर्म बोलना, लिखते समय आप शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हो, एसबीडी ब्रैकेट नंबर प्लस डेविएशन ऑब्लिक डेविएशन स्क्वायर। ऐसे ही क्यूब का फॉर्मूला ये होता है, नंबर क्यूब इट मींस गिवन नंबर्स क्यूब इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ एसबीडी ब्रैकेट में नंबर प्लस 2 इनटू डेविएशन। यहां पर ओनली प्लस डेविएशन था, यहां 2 इनटू डेविएशन है, यहां एसबीडी था या एसबीडी का स्क्वायर था। स्क्वायर में दो ही सेक्शन थे, ये पहला सेक्शन ये दूसरा सेक्शन, क्यूब में तीन सेक्शन है बेटा, ये फर्स्ट सेक्शन, ये मिडिल सेक्शन में दिए थर्ड सेक्शन। इसका विशेष रूप से ध्यान रखना है, अगर फॉर्मूले लर्न होंगे तो हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, अदर अगर फॉर्मूले में मिस्टेक करोगे तो आप आंसर लाने की उम्मीद मत करना। मिडिल सेक्शन में आता है सब बेस डिजिट इनटू 3 इनटू डेविएशन का स्क्वायर, और थर्ड सेक्शन में आएगा डेविएशन का क्यूब। तो आप लोग ये फॉर्मूले राइट कर लीजिए और लर्न कर लीजिए, उसके बाद में हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है, मैंने दोनों क्वेश्चन कंबाइंड लिख दिया है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, इनका स्क्वायर भी करना है, एंड फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, इनका क्यूब भी फाइंड करना है एक ही नंबर का। तो देखिए किस प्रकार से करते हैं। आपके पास में जो पहला नंबर है वो है 13, 13 का स्क्वायर भी फाइंड करना है और क्यूब भी फाइंड करना है, चाहे स्क्वायर फाइंड कर लो चाहे क्यूब फाइंड करो, आपको शुरुआत में तीन चीजों का डिसीजन लेना होता है कि जो गिवन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 13, इसका बेस कितना है। तो आपको पता है 13 जो है वो 10 प्लस 3 है, ठीक है, और 10 जो खुद है वो 10 में कितना मल्टीप्लाई है 1 टाइम, तो इसका बेस हो गया बच्चों कितना, बेस तो हो गया 10, सब बेस डिजिट हो गया ये 1, और हमारा डेविएशन जो है इस प्रकार से, पहला काम है आप लोग नंबर को देख करके उसका बेस सब बेस डिजिट और डेविएशन डिसाइड करके राइट करना है। ठीक है, अब आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला को बताना, स्क्वायर फाइंड करने का, स्क्वायर फाइंड करने के लिए नंबर स्क्वायर इज इक्वल टू एसबीडी ब्रैकेट नंबर प्लस डेविएशन ऑब्लिक डेविएशन का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है हमारा। अब इसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, एसबीडी हो गया 1 ब्रैकेट नंबर 13, जो हमारे गिवन नंबर है वो आएगी,
प्लस डेविएशन है 3 ऑब्लिक डेविएशन का स्क्वायर, तो डेविएशन है 3 का स्क्वायर, इन दोनों को ऐड कीजिए, ऐड करने पर जो है उसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 1 का 1 into, ये हो गया 16 ऑब्लिक ये 9, 16 ऑब्लिक 9। अब यहां पर आपको क्या करना है, ऑब्लिक को रिमूव करना है, इस ऑब्लिक को रिमूव करना है, तो हाउ टू रिमूव द ऑब्लिक, सम रूल्स शुड बी केप्ट इन द माइंड टू रिमूव द ऑब्लिक, इस ऑब्लिक को हटाने के लिए कुछ रूल्स हमारे को माइंड में रखने हैं। ये ऑब्लिक हटता है बेटा बेस के अकॉर्डिंग, बेस कितना है 10, तो बेस 10 होने पर इधर दो सेक्शन हमारे पास में, दो सेक्शन है, तो इधर वाला जो राइट हैंड साइड की तरफ जो सेक्शन है लास्ट वाला सेक्शन, उसमें कितने भी डिजिट हो आपके पास, कितने भी डिजिट के नंबर हो उसका यूनिट डिजिट उतार देना है नीचे राइट डाउन कर देना है, और जो बाकी के डिजिट है उनको इसमें ऐड कर देना है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक ही डिजिट के नंबर थी तो वो ऐसे कैसे उतरेगी, दूसरा डिजिट है नहीं तो हम इसको इधर क्या जोड़ेंगे, कुछ नहीं जोड़ सकते उस कंडीशन में। अगर जैसे मान लो आपके पास ही में यहाँ पर 49 होता, थोड़ी देर के लिए सोच लीजिए, उस कंडीशन में बेटा 49 में 9 यहाँ उतरता और 4 इधर ऐड होता, ठीक है, ये 4 इधर ऐड होता, और अगर बेस 100 हो तो दो डिजिट ऐसा कैसे उतरते हैं, 49 का 49 उतरता कब, जब बेस 100 होता, तो ये प्रोसेस हम आगे से आगे बढ़ाते हैं हर सेक्शन में। फिलहाल हमारे पास में एक ही डिजिट है तो ऐसा कैसे आ जाएगा, यहाँ पर दूसरा डिजिट नहीं होने के कारण आगे कुछ नहीं ऐड होगा, और ये हमारे पास जो इनिशियल सेक्शन था इसके बाद में कोई सेक्शन है नहीं, तो आप लोग इसको एज इट इज उतार देंगे, 169 ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। अब इसी क्वेश्चन का अगर आपको क्यूब फाइंड करना हो उस कंडीशन में क्या करेंगे, क्यूब फाइंड करने के लिए ये चीजें तो राइट करोगे और फॉर्मूला अप्लाई करोगे, नंबर क्यूब इज इक्वल टू था हमारे पास एस बी डी स्क्वायर ब्रैकेट नंबर प्लस 2 इनटू डेविएशन ऑब्लिक एस बी डी इनटू 3 इनटू डेविएशन स्क्वायर ऑब्लिक डेविएशन क्यूब, इस प्रकार से। अब जो नंबर है हमारे पास 13 स्क्वायर, यहाँ पर ये 13 का स्क्वायर, यहाँ पर हम क्यूब फाइंड कर रहे हैं, सॉरी यहाँ क्यूब राइट करेंगे 13 का क्यूब या क्यूब ऑफ 13। एसबीडी कितना है बच्चों, एसबीडी देखो यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर आ जाएगा 1 का स्क्वायर, ठीक है, और नंबर 13 है प्लस 2 इंटू डेविएशन कितना था 3, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, अगर डेविएशन आपके पास नेगेटिव होता तो हम इसके स्मॉल ब्रैकेट और यहाँ पर बिग ब्रैकेट या कर्ली ब्रैकेट यूज करते। अब देखिए एस बी डी 1 इंटू 3 सॉरी 3 इंटू डेविएशन स्क्वायर, डेविएशन भी 3 है तो 3 का स्क्वायर, ये 3 फॉर्मूले वाला बेटा 3 आया है, फॉर्मूले से हमारे पास 3 आया है और ये 3 डेविएशन था, ये देखिए डेविएशन यहाँ पर 3 ऑब्लिक डेविएशन का क्यूब यानी 3 का क्यूब, इस प्रकार से। अब देखिए 1 ऑब्लिक 13। अब यहाँ पर आपको क्या नहीं करना, क्या करना है ये ध्यान देना, पे योर अटेंशन, बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग इन दोनों का प्रोडक्ट पहले फाइंड होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, पहले ये दोनों ऐड नहीं होंगे, मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं 13 में 2 ऐड करके 15 प्राप्त कर लेते हैं और 15 को 3 से मल्टीप्लाई करके 45 आप लोग इसमें राइट कर देते हो, इसका सॉल्यूशन 45 होगा और वो वहीं पर रॉन्ग हो जाता है, तो इसमें क्या करना होता है, ये 13 का 13 अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, तो इस 6 को अगले स्टेप में हम ऐड करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड कर लो 3 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और यहाँ 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27। कोई जल्दीबाजी करने की आवश्यकता नहीं है, 13 में 6 ऐड करेंगे तो 19 आएगा, 19 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 ऑब्लिक इस प्रकार से।
ये तीन सेक्शन आ गए हमारे पास में 19, 27 और 27। अब इनका ओब्लिक हटाना, बच्चों ओब्लिक हटाना मैंने बताया था कि ओब्लिक कैसे हटता है, हाउ टू रिमूव ओब्लिक। ओब्लिक रिमूव्स अकॉर्डिंग टू द बेस, बेस के अकॉर्डिंग हटता है। बेस कितना है, व्हाट इज आवर बेस, आवर बेस इज 10। सो वी विल राइट वन वन डिजिट ऑफ ईच नंबर इन ईच सेक्शन एज इट इज एंड द रिमेनिंग डिजिट्स विल बी एडेड इन द प्रीवियस सेक्शंस। ठीक है, 27 का एक डिजिट 7 ऐसा कैसा रहेगा, और जो 2 बच गया है एक 2 इसमें ऐड हो जाएगा, 2 को इसमें ऐड कर दीजिए कितना हो गया 29, 29 का 9 आ जाएगा, ये 29 बन गया, 29 का 29 आ गया, एक 2 इसमें ऐड हो जाएगा तो 21। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास 13 का क्यूब कितना आ गया 2197, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास में नंबर है 18, इस समय 18 को लेंगे। अब बताओ बच्चों 18 किसके क्लोज में है, 10 के है, 20 के है, 30 के, 40 के, 50 के, 100, 200, 300, 400, बताइए किसके क्लोज में, कितने 20 के। ओके, ये 20 के क्लोज में है तो हम लिख देंगे 20 प्लस 3 या माइनस 2, क्योंकि 20 से 2 लेस है इसलिए। अब इस 20 का बेस कितना होगा, 10 होगा या 100 होगा, ये जो 20 है 10 का मल्टीपल है 100 का है, 10 का है कितने टाइम है 2 टाइम, तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 × 10 − 2। ठीक है, तो बताइए इसमें से देख करके बताइए बेस कितना है 10, सब बेस डिजिट 2 और डेविएशन −2। ठीक है, लेट्स फाइंड स्क्वायर ऑफ द गिवन नंबर, 18 का स्क्वायर फाइंड करना है, एसवीडी हो गया 2 ब्रैकेट 18 प्लस यहां पर डेविएशन है −2, तो ये −2, उस कंडीशन में आप लोग यहां पर कर्ली ब्रैकेट यूज कर लेना, ऑब्लिक स्क्वायर ऑफ −2, 2 प्लस माइनस विल बी माइनस, ऑब्लिक स्क्वायर ऑफ −2 विल बी +4, −2 का स्क्वायर कितना होगा +4 होगा, क्योंकि −2 का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है −2 × −2, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 × 4 हो जाएगा। इस कंडीशन में कई बच्चे जल्दबाजी में माइनस का 4 कर देते हैं, वो माइनस का 4 वहां पर रॉन्ग हो जाएगा। 18 में से 2 सबट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 16, 2 × 16 = 4, 16 × 32 = 4। Now we will remove oblique. Then decide that what is our base? 10. हमारा बेस 10 है. Then we will write one one digits in the next step of this section. इस section में जो number है उसका एक digit इधर लिख दिए unit digit. तो ये एक digit है तो अकेला इधर आ जाएगा. बाकी डिजिट है नहीं, अदरवाइज इसमें ऐड करते तो कुछ ऐड नहीं होगा, ये 32 का 32, ये इस प्रकार से ये आ गया है। अगर इसी का बात इसी की बात करें हम क्यूब फाइंड करने की, तो 18 का क्यूब किस प्रकार से फाइंड किया जाएगा, देखिए एसपीडी 2 का स्क्वायर नंबर 18 प्लस 2 × डेविएशन है −2, ऑब्लिक 2 × 3 − 2 का स्क्वायर ऑब्लिक −2 का क्यूब। इस प्रकार से मैंने ये वैल्यूज पुट कर दी है, आपको भी ये वैल्यूज पुट करते समय फुल अटेंशन पे करना होता है। स्क्वायर ऑफ 2 कितना हो जाएगा बच्चों 4, और यहां पर हमारे पास 18 ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2 × 4, ऑब्लिक इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 और स्क्वायर ऑफ −2 कितना हो जाएगा +4। अब यहां पर देखिए क्यूब है, −2 का क्यूब कितना हो जाएगा −2 मल्टीप्लाई
माइनस टू मल्टीप्लाई माइनस टू, माइनस माइनस प्लस हो गया टू टू जा फोर और माइनस टू, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस एट, 18 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 14 आएगा, 14 4 इंटू 14 ऑब्लिक 6 24 माइनस 8 ऑब्लिक हटाने से पहले ये थर्ड सेक्शन में जो नंबर है हमारे को प्राप्त हुआ है, हमने जो रिसीव किया है वो नेगेटिव आ गया, इसको पॉजिटिव बनाना है। तो इसके लिए क्या करेगा, ये अपने से जो नेबर में जो सेक्शन है, इसके पड़ोस में जो सेक्शन है उसमें जो नंबर है उससे उधार लेगा। क्या लेगा? उधार लेगा, कैरी लेगा। तो देखिए ये 8 किस में से घटेगा, बेस के मल्टीपल में से घटेगा। जब बेस 10 है तो अकॉर्डिंग टू बेस ही काम होगा। 8 चाहे तो 9 में से सब्ट्रैक्ट हो सकता है, 10 में से हो सकता है, 20 में से, 100 में से, 1000 में से, लेकिन देखिए बेस कितना है 10, तो 10 के मल्टीपल मायने बोल लो 10 20 30। तो बताओ ये 8 किस में, 10 में से कट जाएगा। तो अगर 10 में से कट रहा है तो 1 बोरो ले लो, 20 में से 2 लेते हैं। अगर 20 में से कटता है, जैसे मान लो यहाँ पर 18 होता, तो 18 आपको पता 10 में से माइनस नहीं होता है, जबकि ये 20 में से माइनस होता उस कंडीशन में। इधर से हम दो उधार लेते हैं, तो देखिए 56, तो यहाँ से 1 इसको कैरी दे देंगे, तो यहाँ पर 23 और इधर हो जाएगा 10 माइनस 8, ठीक है। अगर बेस 100 होता तो ये बड़ा एक लेने में इधर 100 बन जाता है, बेस के अकॉर्डिंग हमारे पास आ जाएगा 56 23 और 2। अब ऑब्लिक हटाना है, ऑब्लिक हटाने का नियम बताया था मैंने, पहला डिजिट ऐसा वैसा, तो इसमें एक डिजिट है ऐसा वैसा, 23 का 3 और 2 इसमें ऐड कर दो तो 58, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम 18 का स्क्वायर और क्यूब फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास में 98। देखिए 98 किसके क्लोज में है, 10 के है, 20 के, 30 के, 40, 50, 60, 70, 90 और 100 किसके क्लोज में है, तो आपका आंसर आएगा क्या, 100 के क्लोज में है। ओके, 100 के ये नजदीक है, क्लोज में है, तो उससे कितनी कम या ज्यादा है, तो आपका आंसर होगा ये 2 कम है उससे, तो हम लिखेंगे इसको 100 लेस है, ये 2 लेस है, तो 100 माइनस 2। अब 100 का बेस कितना होगा, 100 ही होगा, और कितना टाइम मल्टीपल है, 1 टाइम, तो हम इसको लिख देंगे 1 इंटू 100 माइनस 2, तो बताइए बेस कितना हो गया 100, सब बेस डिजिट कितना हो गया 1 और डेविएशन कितना हो गया माइनस 2, क्योंकि 2 कम है। अब वैल्यू पुट करेंगे हम, तो हमारे पास में आ जाएगा 98 का स्क्वायर इज इक्वल टू एस बी डी 1, 98 प्लस, जब भी आपके पास में डेविएशन नेगेटिव है यहाँ कर्ली ब्रैकेट का यूज करना है, माइनस 2 इस प्रकार से 98 माइनस 2 ये 4 90 96 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों ऑब्लिक हटाना, तो ऑब्लिक हटाने के लिए मैंने बताया था कि बेस के अकॉर्डिंग करता है, बेस कितना है 100, तो आपको दो दो डिजिट लिखने हैं, ठीक है। तीन डिजिट की संख्या हो तो दो डिजिट उसके ऐसे कैसे उतार दो, और बाकी का जो तीसरा होता है उसको नेक्स्ट सेक्शन में ऐड कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास मुसीबत यह है कि एक ही डिजिट रह गया, दो कहाँ से लाए, तीसरा तो दूर की बात, उधर जोड़ना, पहले दो डिजिट्स में ही हमारे कमी रह रही है, तो उस कंडीशन में इसको दो डिजिट की नंबर बनानी है। तो 4 को दो डिजिट की नंबर बनाने के लिए क्या करेंगे, 0 इधर लगा देंगे, इधर लगाते तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, वो कर नहीं सकते, तो आपको पहले लगाना है, ये दो डिजिट की नंबर होगी। तो अब इन दोनों डिजिट को ऐसा कैसे उतार लो, और ये 96 ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अगर डिजिट नहीं हो तो आप 0 उतार लिया करो। देखिए क्यूब करते हैं हम,
98 का क्यूब कितना आता है? एस बी डी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर नंबर 98 प्लस 2 डेविएशन हमारे पास में है माइनस 2 ऑब्लिक एस बी डी हो जाएगा 1 3 और माइनस 2 का स्क्वायर और माइनस 2 का क्यूब। 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये 98 इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा? माइनस 4। जल्दीबाजी ना करें, 100 मत करते हैं, इनको भी ऐड करके पहले इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है। इनटू 4 ऑब्लिक ये माइनस 8, इसमें से इसको सब जगह करेंगे तो 94 आएगा। 94 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 94 ही आएगा। 12 और 8 माइनस 8। अब जैसा कि मैंने बताया था कि निगेटिव वैल्यू आ गई, तो निगेटिव वैल्यू को कैसे पॉजिटिव बनाते हैं? तो उसके जो पड़ोस वाला सेक्शन होता है उससे मेरे को उधार लेना होता है। तो 8 किस में से कटेगा? देखिए बेस कितना है? 100। तो 100 के मल्टीपल्स की बात करनी है तो 100 के मल्टीपल 100, 200, 300। तो 100 में से कटेगा तो इधर से 1 मोर ले लीजिए, 11 बच जाएगा और वो 1 इधर आकर के 100 बन जाएगा। इस प्रकार से अब ऑब्लिक हटाना है। ऑब्लिक हटाने का रूल मैंने बताया था कि अकॉर्डिंग टू बेस हटता है, बेस 100 है तो दो दो डिजिट आपको राइट डाउन करना है और थर्ड डिजिट को इधर जोड़ना है। तो दो डिजिट इधर राइट डाउन कर दिया, है दो दो तो दोनों ऐसे कैसे उतर जाएंगे, तीसरा है नहीं तो ऐड करने की आवश्यकता नहीं होगी। इस प्रकार से ये हमारा ये क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट देखते हैं 104 का स्क्वायर। 104 में हमारा बेस कितना हो जाएगा? 100, 1 इंटू 100 प्लस 4, इसका बेस हो गया 100, सब डिजिट 1 और डेविएशन प्लस का 4। देखते हैं हम थोड़ा सा स्पीड से आगे बढ़ेंगे। 104 का स्क्वायर इज इक्वल टू एस पी डी 1 ब्रैकेट 104 प्लस डेविएशन 4 ऑब्लिक 4 का स्क्वायर। तो 1 इंटू 108 ऑब्लिक 16, तो 108 ऑब्लिक 16। अब ऑब्लिक हटाना है तो क्या करेंगे? बेस 100 रहेगा, दो दो डिजिट उतार दीजिए, इसके दो डिजिट ऐसे गए ऐसे और ये इधर हमारा लास्ट है तो सभी के सब उतर जाएंगे इसमें, क्योंकि इधर सेक्शन नहीं आने का नहीं किस में उतरता। अगर इधर एक और सेक्शन होता तो 08 उतारते, वन को इधर बेच देते। ये हमारा आंसर हुआ। ऐसे ही 104 का क्यूब, तो 1 स्क्वायर ऑब्लिक नंबर 104 प्लस 2 इंटू 4 ऑब्लिक 4। इस प्रकार से वैल्यूज पुट करते हैं। अब सोल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 104 प्लस ये 4 टू जाए 8, 3 वन जा 3 इंटू 16 ऑब्लिक 64, तो 1 इंटू 112 ऑब्लिक 16, 3 जा 48 ऑब्लिक 64। इस प्रकार से हम इस सिस्टम पर पहुंच चुके हैं। अब यहां पर हमारे क्या करना है? ऑब्लिक हटाना है तो दो दो डिजिट उतारते जाइए, ये इस प्रकार से हम इसका क्यूब फाइंड कर सकते हैं 104 का। अब हमारे पास में दो क्वेश्चन बचे हैं, ये हो रही है तो दोनों में से मैं लास्ट वाला बता रहा हूँ, 497। स्टूडेंट्स 497 किसके क्लोज में है? 100, 200, 300, 400, 500। तो श्योर है किसके क्लोज में? 500 के, 500 और 500 का हम 5 इंटू 100 लिख देंगे और उससे ये 3 का मतलब माइनस 3 ऐड कर देंगे। अब इसका बेस कितना हो गया? 100, सब बेस डिजिट हो गया 5 और डेविएशन हो गया माइनस 3। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पुट दीज वैल्यूज इन आवर फॉर्मूला। आवर फॉर्मूला इज दिस, 497 स्क्वायर इज इक्वल टू एस बी डी 5 ऑब्लिक 497 प्लस
because our deviation is negative, then we will draw curly bracket, and here we will use a small bracket and write deviation oblique cube of minus square of minus 3. 5 will be as it is, and 497 plus minus will be minus, and square of 3 will be 9. 5 into 490, 4 oblique 9. इसको 4 से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 जा 20, कैरी 2, 9 5 जा 45, 2 47, कैरी 4, 5 4 जा 20, 24, ऑब्लिक 9. अब बेस हमारा कितना है? 100. तो श्योर है, दो दो डिजिट्स राइट डाउन किए जाएंगे नेक्स्ट टाइम में, तो इस केस में दो डिजिट यहाँ उतार दीजिए, दो डिजिट है नहीं तो दो डिजिट की बना लो, तो जीरो लगा देंगे, तो 09 2 4 7 0 ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों. इसमें आते हैं क्यूब में, क्यूब में हमारे पास में 497 का क्यूब, एस विल बी 5 का, तो 5 का स्क्वायर ऑब्लिक नंबर हमारे पास में है 497 प्लस 2 इंटू डेविएशन है माइनस 3. वी विल यूज कर्ली ब्रैकेट, एसबीडी 5 इंटू 3 मल्टीप्लाई माइनस 3 का स्क्वायर और माइनस 3 का क्यूब, ये हो तो 25 हो गया. यहाँ पर 497 ये माइनस का 6 हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्लिक ये 15 हो गया इन दोनों का प्रोडक्ट, और ये 9 हो गया, और ये माइनस का 27. इसमें से 6 माइनस का मैं करेंगे तो 491 ऑब्लिक 25 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में आएगा 25 बाय 25, कैरी 2, 25 9 200 25 और कैरी 2 227, कैरी 22 तो 122. ये नेगेटिव है तो ये बताइए 27 कितने में से सबट्रैक्ट होगा, वैसे 30 में से भी सबट्रैक्ट हो सकता है अगर बेस 10 होता तो, अगर बेस 10 होता तो हम इधर से 3 उधार लेते तो इधर 30 बन जाते, ठीक है 30 बन जाते, 30 में से 27 कट जाता है, लेकिन बेस 100 है तो 100 200 में से कटेगा, तो 100 में से कट जाएगा इसलिए, तो एक यहाँ से उधार ले लीजिए, इसके पास शेष रह जाएगा 134 और वो 100 इधर बन जाएगा. हंड्रेड में से 27 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास में कितना जाएगा 73. अब बच्चों ऑब्लिक हटाना है तो ऑब्लिक हटाने के लिए दो दो डिजिट एज इट इज उतार दीजिए, 73 का 73, ये तीन डिजिट की संख्या है तो इसके दो डिजिट ले लीजिए, इस साइड से दो डिजिट, ये 3 और 4 ले लिया मैंने, 1 बच गया तो 1 को इस तरह ऐड कर दीजिए, यह जाएगा 1276 ये आंसर. इस प्रकार से हम 497 का क्यूब और स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं. एग्जाम में जो पूछे वही करके आना है, स्क्वायर पूछे तो स्क्वायर करना है, क्यूब पूछे तो क्यूब, बिना पूछे दोनों नहीं करके आना है, ठीक है. एक आपको कंपेरेटिवली स्टडी कर लिया, मैंने आपको दोनों करके बता दिया, अदरवाइज एग्जाम में एक ही पूछता है, और अगर दोनों पूछ ले बाय द वे तो आपको दोनों करके आने हैं, ठीक है. अब हमारे पास 203 बच गया है तो उम्मीद करता हूँ 203 को आप कर लोगे. 203 में क्या हो जाएगा, 203 में जैसा कि हमारा जो प्रोनंसिएशन है 203 का, तो 2 × 100 + 3, ठीक है, बेस 100 हो जाएगा, एसबीडी 2 और ये प्लस का 3,
इसमें वैल्यूज पुट करेंगे और वैल्यूज पुट करके हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपका निखिलम सूत्र था वैदिक मैथ्स में, जिसकी हेल्प से हम स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं, क्यूब फाइंड कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं और क्वेश्चंस हैं जिनका आप लोग स्क्वायर और क्यूब फाइंड कर सकते हैं। आप अपनी बुक से या मन से कोई भी संख्या ले लीजिए, उनका स्क्वायर फाइंड कीजिए और क्यूब फाइंड कीजिए। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास में आपको कैलकुलेशन करने में थोड़ी मदद मिली होगी और ये समझ में आया होगा। थैंक यू।